जहां तक चाइना का सवाल है, चाइना भारत की सदस्यता का विरोध नहीं कर रहा, चाइना क्राइटेरिया प्रोसेस आदि की बात कर रहा है। और जहां तक पाकिस्तान की एंट्री का सवाल है, हम तो अभी मेंबर ही नहीं है एनएसजी के, जो पाकिस्तान की एप्लीकेशन पर कोई फैसले में हमारे कोई रोल हो सके, कोई भूमिका हो सके, लेकिन हम किसी भी देश की एंट्री का विरोध नहीं करेंगे। चाहेंगे कि हर एक की एप्लीकेशन उसकी अपनी मेरिट पर तय की जाए। जहां तक हमारा सवाल है, हमारा तर्क यह है कि 2008 में अभी जो विनीता ने कहा कि हमें वेवर मिला था, उस वेवर से पहले क्राइटेरिया तय हो गया था, उस वेवर से पहले प्रोसेस भी तय हो गया था, और उस क्राइटेरिया के आधार पर ही हमें वेवर मिला था। इसलिए आज हमारे संबंध में क्राइटेरिया की बात करने के बजाय क्रीडेंशियल्स की बात की जानी चाहिए, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जानी चाहिए। और मुझे ये कहते हुए बहुत संतोष है कि 2008 में वेवर लेते समय जो कमिटमेंट्स, जो प्रतिबद्धताएं हमने की थी, हमने केवल उन्हीं को पूरा नहीं किया, हम उससे भी एक कदम आगे गए हैं। इसलिए अभी जब विदेश सचिव भी गए थे तो उन्होंने भी बातचीत में यही कहा कि आप हमारे बारे में क्राइटेरिया की बात करने के बजाय क्रीडेंशियल्स की बात करें तो अच्छा है। जहां तक भरोसे का सवाल है, मुझे लगता है अभी 23 तारीख में समय है और हम आशावादी हैं कि हम चीन को भी इसमें मनाने में कामयाब हो जाएंगे। और बाकी जो देश जिनसे बात हो रही है, जैसे 23 देशों से तो मेरी ही बात हुई है, कुछ जिज्ञासाएं जाहिर की, लेकिन बाकी किस देशों ने सीधे सीधे सपोर्ट करने की बात की, तो मुझे लगता है कंसेंसस बन रहा है और शायद कोई देश उस कंसेंसस को ना तोड़े और इस बार एनएसजी की मेंबरशिप हमें मिल जाए।